सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम बस्ताड़ा टोल पे जो कुछ हुआ है आपको पता है, यहीं पे खड़े हैं, लेकिन अभी हमारे सभी साथियों को छोड़ दिया गया है, रिहा कर दिया गया है। और जैसे पहले हमने आपको कहा था कि जब तक हमारे सारे साथियों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम पूरे हरियाणा में जाम लगा के रखेंगे, पूरे हरियाणा में कहीं भी जो है वो कोई रोड नहीं चलेगा। तो आप सभी ने पूरे हरियाणा में रोड जाम रखे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभारी है पूरे हरियाणा के किसानों के, और खास तौर पे करनाल के किसानों के, जिन्होंने चार बार लाठी चार्ज होने के बावजूद वहीं पे रोड जाम किया, जहां पे चार बार लाठी चार्ज किया था वहीं पे रोड जाम किया, कई किसानों को गिरफ्तार कर लिया था। बहुत से किसान ऐसे हैं जिनको 50-50 लाठियां लगी हैं, सिर फोड़ दिए गए हैं, हड्डियां तोड़ दी गई है। आभारी है उन किसानों के, देश ऋणी रहेगा उन किसानों का जिन्होंने अपने शरीर पे इतनी चोटें खाई हैं। साथियों, आपकी बहादुरी का, आपके एकता का परिणाम है कि सारे आदमियों को छोड़ दिया गया है, लेकिन एक गंभीर बात है, आखिर हम इनसे कब तक पिटेंगे, आखिर हम किससे कब तक हड्डियां तोड़वाते रहेंगे। साथियों, इसके लिए अगली रणनीति बनानी है, इसलिए अभी पूरा जाम खोलने के बाद परसों 11 बजे करनाल में, जगह बाद में बताएंगे, जगह सिलेक्ट नहीं कर पाए हैं, परसों 11 बजे एक मीटिंग करेंगे सभी किसान संगठनों की, हरियाणा के सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधि उसमें आ जाएं। हम मीडिया के माध्यम से ही मैसेज दे रहे हैं, और अभी सभी भाई जाम खोल दें, तो बाकी जो अगली रणनीति होगी वो परसों को बनाएंगे। अभी सभी भाई पूरे हरियाणा से जाम खोल दें, सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।